और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का फरीदाबाद का दौरा बताया जा रहा, फरीदाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा शांतिनाथ मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए फरीदाबाद पहुंचे हुए हैं। सीएम मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो अस्थल बोर्ड के मठाधीश बालकनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नाथ संप्रदाय के तमाम संतों का आज जमावड़ा होगा। तो फरीदाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और महंत सोमनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो बाबा शांतिनाथ मठ में कार्यक्रम आयोजित की गई है, सीएम मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान उनके साथ अस्थल बोर्ड के मठाधीश बालकनाथ भी मौजूद रहेंगे। नाथ संप्रदाय के तमाम संतों का जमावड़ा होगा। तो फरीदाबाद से इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आप फरीदाबाद पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद वो कहां आकर रुख करने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या जानकारी है? बिल्कुल सर, भी देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और यहां आश्रम में पहुंचने के बाद में उनकी तरफ से महंत सोमनाथ महाराज जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है और उसके बाद में यहां जो आश्रम की जिम्मेदारी है वो देने के बाद में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में अलवर से जो सांसद हैं बाबा बालकनाथ महंत, वो भी उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसके साथ साथ में स्थानीय विधायक नयनपाल रावत और विधायक राजेश नागर भी मंच पर हैं। इसके अलावा जो जितने भी तमाम जो नाथ संप्रदाय के साधु संत हैं वो यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठा है और अब यहाँ जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ का मंच से संबोधन शुरू होने वाला है। जी ठीक है, लेकिन देवेंद्र ये पूरा कार्यक्रम कितनी देर का बताया जा रहा है, कब तक इसका समापन होगा? देखिए अगर बात करें कार्यक्रम की तो आपसे 15 मिनट पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे और जो तमाम प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी गई है। संबोधन के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो कह सकते हैं कि अगले 30 से 45 मिनट तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो अस्थल बोर्ड के मठाधीश बालकनाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और नाथ संप्रदाय के तमाम संतों का जमावड़ा होगा। तो वहीं मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव घिर चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। योगी ने देश की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी ये कहा है और अखिलेश यादव को देश और यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो माफी की मांग सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। बता दें कि सीएम योगी मुरादाबाद में पुलिस एकेडमी में आयोजित 86वें पुलिस उपाधीक्षकों के प्रासंगिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम का अखिलेश यादव पर जो वार सामने आए हैं, दरअसल वार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफी की मांग रख दी है कि अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि विभाजनकारी मानसिकता को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी।
ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही सरकार की ओर।